पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से अलग अलग पार्टियों के नेता उनके घर पहुंच रहे हैं और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मंगलवार को पंजाब के मानसा पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के परिजनों को सांत्वना दी। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी और पार्टी के कुछ अन्य नेता दल भी मौजूद थे। मूसेवाला की 29 मई को शाम के वक्त सड़क पर ही खुलेआम हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला सिंगर होने के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी से मूसेवाला की मुलाकात भी हुई थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती किए जाने के ठीक एक दिन बाद मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में मूसेवाला की चचेरे भाई और एक मित्र भी घायल हो गए, जो मूसेवाला के साथ जीप में ही सवार थे। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अब तक 8 शार्प शूटर्स के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक को पकड़ लिया गया है। इसमें 2 शूटर महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं, जबकि 3 शूटर पंजाब से हैं और 2 शूटर हरियाणा के हैं। वहीं एक शूटर राजस्थान से भी ताल्लुक रखता है। ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और फिलहाल किसी न किसी केस में फरार चल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।